नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुंभ राशि के मई 2023 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस राशिफल के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्या रिजल्ट रहने वाला है, कौन कौन से भावों से रिलेटेड अत्यधिक फलों की प्राप्ति आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, देखते रहें डेली पंचांग, डेली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल। आइए जानते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं इस माह के अंदर। सूर्यदेव मेष राशि से निकलकर वृष राशि में प्रस्थान करेंगे। मंगल की बात करें, मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रस्थान करेंगे। सूर्यदेव अपनी उच्च राशि से निकलकर वृष राशि में प्रस्थान करेंगे और मंगल की बात करें नीच राशि में प्रस्थान करने वाले हैं। शुक्र स्व राशि से निकलकर मित्र राशि में यानी वृष से निकलकर मिथुन राशि में प्रस्थान करेंगे। आइए जानते हैं क्या क्या फल रहने वाले हैं इन गुजर के। सबसे पहले बात करेंगे राशि स्वामी। राशि स्वामी बनते हैं शनिदेव। कुंभ राशि अपनी ही राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव की अगर हम बात करें, शनिदेव का यह गोचर आपके लिए, आपके डिसीजंस के लिए, आपके करेज के लिए, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए एक अच्छा गोचर माना गया है। स्व राशि के जो गोचर हैं यहाँ पर आपके सप्तम और दशम बिजनेस और कार्यक्षेत्र दोनों भावों को जो है वो इफेक्ट डाल रहे हैं। शनि का दोनों भावों पर इफेक्ट डालना कहीं ना कहीं आपके भावों को एक्टिवेट करना है। और अगर कहीं दशा महादशा अंतर्दशा शनि से रिलेटेड चल रही है तो यह इफेक्ट अत्यधिक होने वाला है। धन भाव की बात करते हैं, धन भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु की बात करें आपकी राशि से तीसरे भाव में और आपके भाव से यानी धन भाव से सेकंड हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो थर्ड हाउस में मैं देवगुरु बृहस्पति का गोचर होते हुए आपके सप्तम भाव को एक्टिवेट कर रहा है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का और गुरु का सप्तम भाव को एक्टिवेट करना, द्विग्रही गोचर करना आपके सिंह राशि को एक्टिवेट कर रहा है। तो अत्यधिक फल सप्तम भाव यानी बिजनेस, आपके लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप को लेकर अत्यधिक हो सकते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है नाइन्थ हाउस को भी इफेक्ट डाल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ बिजनेस और धन का संबंध, भाग्य और धन का संबंध, और मैं अगर बात करूँ लाभ और धन का संबंध बन रहा है, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो धन और लाभ दोनों भावों के स्वामी हैं। और धन और लाभ दोनों भावों के स्वामी होकर पंचम, अगर मैं बात करूं पंचम राशि जो आ रही है यानी आपके सप्तम भाव के अंदर सिंह राशि आ रही है, आपके सप्तम भाव और नवम भाव दोनों पर इफेक्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो गोचर माना गया है। यानी बिजनेस से रिलेटेड अच्छे फल मिलेंगे, भाग्य से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर लाभ और धन की प्राप्ति होने वाली है कुंभ राशि वालों के लिए। बात करते हैं पारिवारिक स्थिति को लेकर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पारिवारिक स्थिति को लेकर तो शुक्र बनते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी। अपनी ही राशि स्वयं राशि वृष राशि से शुक्रदेव यहाँ पर गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र का गोचर यानी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो शुक्र का गोचर की बात करूं इस माह में चतुर्थ और पंचम दोनों भावों पर इफेक्ट डाल रहे हैं। कारक ग्रह माने गए हैं नवम भाव के स्वामी होकर गोचर करना और चतुर्थ के स्वामी होकर यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों के स्वामी होकर गोचर करना पारिवारिक तरीके से भी आपको लाभ के संकेत दिलवा रहा है। बात करते हैं पंचम भाव, बुध कारक ग्रह हैं क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए बुध शुक्र और शनि तीनों प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। बुध के गोचर की बात करें तीसरे भाव के अंदर हो रहा है, राहु के साथ में है, गुरु के साथ में है, सूर्य के साथ में है। अगर मैं बात करूं पंचम और सप्तम का संबंध तीसरे भाव में बन रहा है और अगर मैं बात करूं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी हैं तो लाभ और धन का संबंध भी थर्ड हाउस में बन रहा है। क्योंकि इसका मतलब सीधा सा है पंचम भाव, सप्तम भाव, लाभ भाव, आपके धन भाव, इन सब से आपको लाभ होने वाला है। और तीसरे भाव के अंदर बन रहा है तो अपने खुद की मेहनत से, आप अपने खुद के करेज से, अपने डिसीजन से यहाँ पर आप ये लाभ प्राप्त करने वाले हैं। थर्ड हाउस में राहु शुभ माना गया है तो यानी चंद्र लगने से थर्ड हाउस में भी राहु की का जो गोचर है आपको यहाँ पर करेज देने वाला है, अच्छे डिसीजन देने वाला है और लाभ प्राप्ति में, धन प्राप्ति में सहायक सिद्ध होने वाला है यह गोचर। सप्तम भाव की बात करते हैं, सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके वृष राशि के अंदर आएंगे मेष से निकलकर। तो सप्तम भाव के स्वामी अपने से दशम के अंदर गोचर करेंगे। शुभ संबंध है अगर बिजनेस को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं तो। कार्यक्षेत्र की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, शनि का इफेक्ट सीधा दशम भाव पर, दशम दृष्टि बनाए हुए हैं कार्यक्षेत्र में। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ परिवर्तन के संकेत भी मिलते हैं क्योंकि मंगल के गोचर की बात करें अपने से अष्टम में गोचर कर रहे हैं, अपने से अष्टम में, दशम से अष्टम में मंगलदेव अत्यधिक शुभ फल नहीं देने वाले। मंगल अपने से
अगर मैं बात करूं मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में भी आएंगे जो उनकी नीच राशि है, छठे भाव में आने वाले हैं, तो कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा परिवर्तन जो आपको नाखुश करने वाला रह सकता है कुंभ राशि वालों के लिए हो सकता है। लाभ की बात करें, लाभ के स्वामी गुरु ही बनते हैं जो कि तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे और लाभ भाव पर भी अपना प्रभाव, नवम भाव पर भी अपना प्रभाव और आपके बिजनेस भाव पर भी अपना प्रभाव देने वाले हैं। भाग्य की बात करते हैं, शुक्र बनते हैं भाग्य के स्वामी, स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, शुभ संबंध है। उसके बाद राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि के अंदर आएंगे, वहाँ भी नवमेश का संबंध पंचम भाव से शुभ संबंध माना गया है। ओवरऑल हम बात करें, धन लाभ आपके बिजनेस को लेकर बहुत अच्छे संबंध है, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, मेहनत अत्यधिक करनी पड़ेगी क्योंकि सभी कुछ थर्ड हाउस के अंदर यहाँ पर एक बड़ा गोचर हो रहा है, चार ग्रहों की युति हुई है, तो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत, अपने करेज, अपने डिसीजन से आप यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।